सो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुष और आज है दीपावली, तो हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। तो गाइज दिवाली में खूब धमाल कीजिएगा। और आज की वीडियो पे हमारे पास रॉकेट के एक्सपेरिमेंट, तो यहां पे देख सकते हैं रॉकेट के ऊपर लगाए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकर और यहां पे जितने भी रॉकेट हैं एक से बढ़कर एक होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको इनमें से कौन सा रॉकेट ज़्यादा बढ़िया लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 रॉकेट हैं। तो ये रहा पहला रॉकेट जहाँ पे लगा है रॉकेट के ऊपर स्काई शॉट। उसके बाद ये रहा दूसरा रॉकेट, तो इसके ऊपर लगी चक्री जो कि फ्रीली घूम रही है। उसके बाद ये तीसरा रॉकेट बटरफ्लाई वाला रॉकेट, और उसके बाद ये है अनार का रॉकेट। तो इसमें हम आपको एक चीज़ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद ये रहा ग्रीन सुतली वाला रॉकेट, तो काफ़ी धमाकेदार होगा। और ये है बीडी बॉम्ब वाला रॉकेट या फिर माचिस बॉम्ब वाला रॉकेट, तो काफ़ी गजब का है। और उसके बाद ये है फोटो फ्लैश वाला रॉकेट, तो काफ़ी गजब का होगा। और ये है हमारा स्काई शॉट वाला रॉकेट, तो उसके ऊपर स्काई शॉट का सेल लगाया हुआ है। और उसके बाद ये है चिदंबरम का बुलेट बॉम्ब वाला रॉकेट। उसके बाद ये रहा हमारा चाइना की चटाई वाला रॉकेट, तो देख सकते हैं किस तरीके से चाइना की चटाई को लगाया है, काफ़ी बढ़िया होगा। तो गाइस चलिए फिर इंतजार किस बात का, इन सभी रॉकेट को टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले चलाएंगे चाइना की चटाई वाला रॉकेट। तो यहाँ पे हम केवल चटाई को जलाएंगे तो रॉकेट ये अपने आप चल जाएगा, तो देखते हैं। तो गाइस आपने देखा जो चटाई थी वो अलग हो गई और उसके बाद वो नीचे आ रही थी, और नीचे गिरने के बाद ये कुछ यहाँ पे सुलग रही है धीरे धीरे। और अब चलाते हैं चक्री वाला रॉकेट, तो देखते हैं। तो पहले चक्री को चलाएंगे फिर रॉकेट को चलाएंगे। सो गाइस आपने देखा जो रॉकेट था काफ़ी तेज ऊपर गया है। ओ भाई साहब, तो भाई यार स्पीड काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी तेज था, और जो नज़ारा था चक्री वाला वो भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो पहले चक्री चलती है फिर रॉकेट। ओ भाई साहब, तो ये था हमारा चक्री वाला रॉकेट। और अब चलाते हैं बटरफ्लाई वाले रॉकेट को, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले बटरफ्लाई को चला देंगे क्योंकि इसको चलने में टाइम लगता है। तो गाइस यहाँ पे जो बटरफ्लाई थी वो ठीक से चली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था ऊपर जाके अलग हो जाएगी, लेकिन वो अलग नहीं हुई। और अब चलाते हैं अनार का रॉकेट। तो गाइस देख सकते हैं ये है ईगल का अनार। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ ये रॉकेट ऊपर जाता है या फिर नहीं, क्योंकि अनार का रॉकेट डिपेंड करता है अनार के प्रेशर पर। ठीक है, तो देखते हैं। तो गाइस आपने देखा ये ऊपर नहीं गया, और ये ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें प्रेशर ही नहीं था इस अनार में। तो अब हम दूसरा अनार लेते हैं, तो ये भी ईगल का है लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज़ का है। तो इसको देखते हैं ये क्या ऊपर जाता है या फिर नहीं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा भी, आप देखिएगा ध्यान से। सो गाइस मुझको पहले से पता था कि ये दोनों अनार के रॉकेट ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसमें क्यों ऊपर नहीं गए हैं, क्योंकि इनमें जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो भी अनार जो ग्रीन लाइट फेंकते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अभी आप देखिएगा ये चिदंबरम का है ग्रीन लाइट वाला। तो गाइस देखा आपने इसमें कितनी ज़्यादा पावर थी, तभी ये ऊपर गया है। और ये था चिदंबरम का अनार। तो गाइस चिदंबरम के ग्रीन लाइट वाले काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और रॉकेट बनाया था, ये पहले का वीडियो है, तो इसमें भी देखिए ये ग्रीन लाइट वाला है। तो जितने भी ग्रीन लाइट वाले होते हैं वो काफ़ी बढ़िया अनार होते हैं, देखिएगा भी एक नंबर यार। तो गाइस आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से ऊपर गया। तो मैंने देखिए एक और बनाया था, तो ये पहले वाले वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि अनार के जो मैंने रॉकेट बनाए थे वो क्यों पहले चले थे। आप लोग को लगता था कि मैंने फेक वीडियो बनाया, तो गाइस फेक नहीं था, बिल्कुल रियल वीडियो है जो भी है। तो गाइस ये वाला जो अनार था इसमें धनुष करके लिखा हुआ था कुछ, और इसमें हल्की हल्की ग्रीन लाइट आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक और रॉकेट बनाया था, तो गाइस रॉकेट वही सक्सेसफुल होगा अनार का जो कि ग्रीन लाइट के साथ ज़्यादा पावर फेंकेगा। ठीक है, तो तभी वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। और अब चलाते हैं फोटो फ्लैश वाले रॉकेट को, तो पहले फोटो फ्लैश को चला देंगे उसके बाद रॉकेट को चलाएंगे।
चलाओ। सो गाइस देख सकते हैं ऊपर से हमारी फोटो खींची जा रही है, काफी बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई तारा जो है वो गिर रहा है नीचे की तरफ, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये था फोटो फ्लैश वाला रॉकेट। और अब चलाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रॉकेट को, बीडी बॉम का रॉकेट। तो यहाँ पे जितने भी बीडी बॉम है उनको बारूद की मदद से पहले चला देंगे। तो देख सकते हैं सारे बीडी बॉम चल चुके हैं। भाई साहब एक नंबर यार, काफ़ी गजब का साउंड आया यहाँ पे। एक बार फिर से देखते हैं दूसरे कैमरा से। तो भाई देखा आपने कितना बढ़िया था। और अब चलाते हैं स्काई शॉट वाले रॉकेट को। तो ये है कश्मीर क्वीन जिसमें चक्री बनती है, तो देखते हैं। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे रॉकेट जो है फेल हो गया। तो वैसे फेल तो नहीं होना चाहिए था, ये ईगल का रॉकेट था, ये वाला रॉकेट शायद ख़राब था। तो देख सकते हैं तभी ये ऊपर नहीं गया। वैसे इतना इसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं था कि ऊपर ना जा पाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम पहले सक्सेस कर चुके हैं। तो देख सकते हैं ये है वो सक्सेसफुल वीडियो। तो देखा आपने ये भी ईगल का रॉकेट है और सक्सेसफुल हो गया। और अब चलाते हैं बिग बुलेट बॉम वाले रॉकेट को। और ये चिदम्बरम का बुलेट बॉम है, ठीक है, और रॉकेट तो यार ईगल का ही होगा, ठीक है। तो यार काफी बढ़िया धमाका था। और अब चलाते हैं सूर्या बॉम की सुतली को, जो कि ईगल ब्रांड की है। तो यहाँ पे दोनों चीज ईगल की हो चुकी हैं। तो भाई साहब ये भी एक नंबर। तो गाइस आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा। तो अब चलाते हैं अपने स्काई शॉट के सेल वाले रॉकेट को, तो देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट गाइस, तो इसके ऊपर हमने जो क्रैकर लगाया था स्काई शॉट वाला, वो स्काई पे जाके फूटा, तो काफी बढ़िया नजारा था। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो रॉकेट एक्सपेरिमेंट की। और आपको इनमें से कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में आ रहे नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।